मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पना चाहती है, कैसे देखते हैं? हड़प तो कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर हड़प रहे जमीन है। डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। ये जो अमेंडमेंट आएगा, सत्यापन होगा, सत्यापन बाद ही ये निश्चित होगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है कि नहीं है, तो इसलिए इसका इसको लाने की क्या जरूरत है, मतलब इस पे एक नई चर्च क्यों जरूरत पड़ने की जरूरत यह है, इसके नाम पर इस कायम हो रहे हैं। डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और इसमें जो कुछ प्रभावशाली लोग हैं वो इसको रन कर रहे हैं और इसमें गरीब और पसमंदा मुसलमान भी प्रभावित हो रहा है, तो पारदर्शिता जरूरी है क्या? ये नहीं चाहते हैं कि पारदर्शिता हो किसी चीज में, तो पारदर्शिता लाएगी और ये न्याय मिलेगा, इसलिए इसको मैं स्वागत। एक प्रेस नोट में उन्होंने ये बात भी कही है सर, एक प्रेस नोट में उन्होंने एक बात